हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नए वीडियो में। और आज के इस वीडियो में हम कुछ इस तरह से रथ यात्रा का पोस्टर बनाना सीखेंगे। तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखते रहिए ताकि आप भी इस तरह का पोस्टर बना सकें अपने मोबाइल फ़ोन से। दोस्तों, इस तरह का पोस्टर बनाने के लिए आपको एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी जिसका नाम पिक्स आर्ट है। पिक्स आर्ट एप्लीकेशन का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। साथ ही साथ बैकग्राउंड का लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से आप जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो हम आ गए हैं अपने पिक्स आर्ट एप्लीकेशन में और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे। तो सबसे पहले प्लस पे आइकन पर क्लिक करेंगे, एडिट ए फोटो पर क्लिक करेंगे और बैकग्राउंड को सिलेक्ट करेंगे, ऐड को हटा देंगे। दोस्तों, ये रहा बैकग्राउंड। नीचे स्क्रॉल करेंगे, ऐड ए फोटो पर क्लिक करेंगे, सॉरी दोस्तों स्टिकर पर क्लिक हो गया, इसे हटाएंगे, ऐड ए फोटो पर क्लिक करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे और अपने फ़ोटो को सिलेक्ट करेंगे। जिस फ़ोटो को आप लगाना चाहते हैं उसे आप सेलेक्ट करेंगे, ऐड कर देंगे, नीचे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेंगे। तो इसे आप जूम कर लीजिएगा और अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा दोस्तों, जैसे मैं कर रहा हूँ। फिर प्लस के आइकन पर क्लिक करेंगे और इंड्रो बैनर जो होता है उसे लगाने के लिए फिर बैनर को सिलेक्ट करेंगे, फिर ऐड करेंगे। इसे थोड़ा जूम करेंगे, इसे यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे थोड़ा बढ़ाएंगे दोस्तों, जूम करेंगे, ये देखिए, और नीचे लगा देंगे। इसे अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। दोस्तों, हम लोगो लगाना चाहते हैं तो ऐड ए फोटो पर क्लिक करेंगे और लोगो को सिलेक्ट करेंगे, फ्रॉम गैलरी में चले जाएंगे, लोगो को ऐड कर देंगे। दोस्तों, यहाँ आप अपने हिसाब से इस पर क्लिक करके इसे आप जूम कर लीजिएगा और यहाँ पर इसे ऐड कर देंगे कॉर्नर पे। थोड़ा जूम करके आप अपने हिसाब से ऐड कर लीजिएगा। तो दोस्तों, लगभग लगभग मेरा फोटो बैनर तैयार हो चुका है। दोस्तों, अगर आप इसे इसी तरह क्रिएट करना चाहते हैं तो नीचे बैकग्राउंड, नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में बैकग्राउंड का लिंक, दो तीन बैकग्राउंड का लिंक दिया गया है, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर सकते हैं और आप अपने हिसाब से इसी तरह का पोस्टर क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसे सेव करने के लिए डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ये आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। प्लीज़ दोस्तों, आपको यह वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पे अगर आप नए हों तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।